मंत्री से हम यही कहना चाहते हैं कि मुआवजा हमको चाहिए, हमको बच्चे के लिए, बच्चे के लिए यानी जिससे कि आपका बच्चा का सही से प्रतिपाल हो जाए। नमस्कार, मैं विनय कुमार, आप देख रहे हैं फजर समाचार। एक ऐसी महिला जो अपने बच्चे के पैदा होने पे सरकार से मांग रही है मुआवजा, और सरकार कब से बच्चा पैदा होने पे देने लगा है मुआवजा, और वह महिला क्यों सरकार से मांग रही है मुआवजा, क्या है इसका वजह कि वह महिला सरकार से अपने बच्चे के पैदा होने पे सरकार से आवेदन के तहत मांग रही है मुआवजा, और वह महिला कहाँ की है, उसके मुआवजा मांगने का मुख्य कारण क्या है, आइए आपको मिलवाते हैं और जानते हैं उन्हीं से कि वो कहाँ की हैं और किस कारण से सरकार से वो मुआवजा मांग रही हैं। सबसे पहले तो आप अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम है मालती देवी। और पति का नाम? धनंजय मंडल। घर कहाँ हुआ? रामपुर चौकड़ा। रामपुर चौकड़ा, थाना पता है? पीरी बाजार। पीरी बाजार। तो आप जो सरकार से मुआवजा मांग रहे हैं, मुआवजा मांगने का मुख्य वजह यानी कि किस कारण से आप आवेदन दे रहे हैं? किस कारण से आवेदन दे रहे हैं? बंदीकरण हम 2020 में करवाए थे, 4 फरवरी को। 4 फरवरी को आप परिवार नियोजन के तहत कहाँ कहाँ आप बंध्याकरण करवाए थे? सुजगढ़ा हॉस्पिटल में करवाए। सुजगढ़ा, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हम गर्भवती रह गए। कितने साल के बाद? अढ़ाई साल के बाद। तो जब गर्भवती हो गए तो आप माने आपको कैसे पता चला कि हम गर्भवती हो गए? हमको पता नहीं चला था पहले से कि गर्भवती हैं हम। हम दूसरे डॉक्टर से दिखा रहे थे कि रोगी हैं हम। अच्छा। तब हमको अल्ट्रासाउंड लिखा तो हम अल्ट्रासाउंड करवाए, तब हमको पता लगा कि बाबू होने वाला है। तो उसको जान करके तो आपको झटका भी लगा होगा? हाँ, झटका तो लगा है, तबियत खराब हो कि कारण की जो आप ऑपरेशन माने आपका तो बंध्याकरण करवाए हैं, बंध्याकरण तो ऐसे सब कैसे हो सकता है। उसके बाद आप क्या किए? उसके बाद हम अल्ट्रासाउंड करवाए, फिर डॉक्टर से सुजरा गए थे मिलने के लिए, तो हाँ कुछ सुनवाई नहीं लिया। यानी वहाँ गए तो आप क्या कहे उनको? उसको बोले कि हम ऑपरेशन करवाए 2020 में, जो देखिए हम फिर से गर्भवती हैं, कैसे ऑपरेशन किया है डॉक्टर। तो वहाँ डॉक्टर का कुछ कहना नहीं हुआ? नहीं, वहाँ का डॉक्टर का कुछ कहना नहीं हुआ, जो बोला था कि एप्लीकेशन लिख के दे दीजिए। उसके बाद फिर आप घर बैठ गए या आगे भी कहीं गए? नहीं, आगे लखीसराय गए थे हम। तो लखीसराय में क्या बोला? लखीसराय में एप्लीकेशन लिख के दिए, तो वहाँ नहीं लिया एप्लीकेशन। तो लखी ना सूर्यगढ़ा आपका एप्लीकेशन लिया ना लखीसराय लिया, तो फिर सूर्यगढ़ा गए थे क्या? हाँ, फिर हम सूर्यगढ़ा गए, तो फिर लिया एप्लीकेशन। सूर्यगढ़ा में आवेदन लिया है? आवेदन लिया मेरा, मगर रिसीविंग नहीं दिया। रिसीविंग नहीं दिया है? तो सरकार से आप क्या मान लीजिए कि क्या कहना चाहते हैं? यही चाहते हैं कि हमको बाल बच्चा पालने के लिए मुआवजा चाहिए। ये जो अभी जो आपके गोद में बच्चा है, इससे यानी कि कितने बच्चे के बाद आप ऑपरेशन करवाए थे? 3 बच्चे के बाद हम ऑपरेशन करवाए थे, ये चौथा बच्चा है। 4-4 बच्चा को हम कैसे पाल पाएंगे? 4-4 बच्चे को कैसे पाल पाएंगे? और यहीं पे देखें कि इन्हीं मालती देवी की फाफू माँ है, इनसे हम बात करते हैं कि आखिर माता जी आपको कैसा लगा कि जो है आपके पुतहु का ऑपरेशन हो चुका था परिवार नियोजन का, उसके बावजूद बच्चा पैदा हुआ, गर्भवती रही, उसके बाद 21 फरवरी को बच्चा पैदा हुआ। तो यह तो एक तरह से चर्चा का विषय भी बन जाता है और शर्म की भी बात होती है, तो आप इस पे कुछ कहेंगे? बात तो यह है, तो हमें तो करे कि अब हो गए लिए हमें अब नहीं है बाल बच्चा होता है, अब कोई रोग बीमारी हो रही तो दिखाए जाइए डॉक्टर के पास। तब डॉक्टर पास गया, तब 1 महीना दवाई खेलक, 2 महीना दवाई खेलक, तो आरामे नहीं होल, तब फिर डॉक्टर लिखल कि नहीं आराम हुआ तो अल्ट्रासाउंड कराइए। तो अल्ट्रासाउंड करेलक तो हे वह बच्चा निकल, तो बच्चा निकल तो हे वह सगरों अब कागज पत्तर देखा सुनी करे लगल कि कैसे की हो गई,
जब ऑपरेशन कराए दिलिए आ तब ये सुनका हो गए तब अब देखा लगल कि अब कैसे की हो डॉक्टर खोजा लगल की होना चाहिए कर कैसे ही बच्चा के की होता है की होता है नहीं होता है अब खोज हुए लगल। एक तरह से कहिए कि जो इनके ऊपर एक बोझ के बराबर हो गया कि तीन संतान पहले से और चौथा संतान जो कि ये नहीं चाह रहे थे उसके बाद हो गया, तो इनके प्रतिपाल में पढ़ाई लिखाई में तो बोझ बनेगा ही। और इनके पति करते क्या है, यानी आपका बेटा क्या करता है? बाहर में काम करा, यानी गांव में ही कि कहीं बाहर? अंत में आप कुछ कहना चाहेंगे सरकार से, खास करके बिहार के मुख्यमंत्री से? कुछ मान लीजिए कि जो आप मुआवजा के बारे में बोल रहे हैं, तो क्या मुख्यमंत्री से कुछ आप अपील करना चाहेंगे या लखीसराय के जिला पदाधिकारी को? मुख्यमंत्री से हम यही कहना चाहते हैं कि मुआवजा हमको चाहिए, हमको बच्चे के लिए, बच्चे के लिए, यानी जिससे कि आपका बच्चा का सही से प्रतिपाल हो जाए। तो ये देखें कि मालती देवी का अस्पष्ट रूप से कहना है कि हम सरकार के नीतियों का, जो सरकार जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या पे रोक लगाने के लिए तरह तरह की योजनाएं चला रही है और प्रचार प्रसार के माध्यम से कि किसी प्रकार से जो है सो जनसंख्या पे रोक हो, और उसी नीति के तहत हम 2004 में 2000 माफ करेंगे 4 फरवरी 2020 को बंध्याकरण करवाए थे, और उसके बाद ना चाहते हुए भी मुझे चौथा बच्चा मजबूरन पैदा करना पड़ा। इसमें मेरी क्या गलती? और वह बच्चा मुझे बोझ के समान लग रहा है, क्योंकि तीन बच्चा पूर्व से ही है कि और मेरे पति मजदूरी का काम करते हैं, किसी दिन मजदूरी मिलता है, मजदूरी का काम मिलता है, किसी दिन ना मिलता है। तो इस स्थिति में हम अपने चार चार बच्चे को कैसे पालेंगे? इसलिए इसमें मेरी गलती नहीं है, चौथा संतान विभाग के गलती के वजह से हुआ, और एक तरह से मानसिक शारीरिक और स्वास्थ्य सभी चीज़ों का मुझे क्षति हुआ। इसके लेकर के मुझे मुआवजा चाहिए, और इस मुआवजा की हम मांग करते हैं। और जिस समय ये गर्भवती रही उसी समय से ये सूर्यगढ़ा सदर अस्पताल और लखीसराय सदर अस्पताल के चिकित्सा पदाधिकारी से ये संपर्क साधते रहे हैं, और इनका आवेदन स्वीकृत नहीं किया जाता रहा है। और अंत में सूर्यगढ़ा सदर अस्पताल के पदाधिकारियों के द्वारा आवेदन स्वीकृत किया गया, लेकिन रिसीविंग नहीं दिया गया। यह है मामला। इनके साथ बने रहे स्वजन समाचार के साथ। नमस्कार।